तो फिर भी हम पूछेंगे जो चार आदमी का अरेस्ट किए हुए हैं उससे पूछा, जब संगे थे चार आदमी अरेस्ट हुआ है तो बताएगा ना कि किससे घटना हुआ, कि जहर खिलाया गया है, कि गोली का दाग कहीं नहीं है, कहीं गोली नहीं। सिवान में बरहरिया प्रखंड प्रमुख की गाड़ी में एक कुख्यात अपराधी का शव मिला है। परिजनों ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सिदवल मोड़ के पास का है। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर निवासी सुरेंद्र प्रसाद के बेटे दीपक प्रसाद के रूप में हुई है। नगर थाना इंस्पेक्टर सुदर्शन राम ने बताया कि गाड़ी किसकी है इसकी जांच की जा रही है, लेकिन गाड़ी पर प्रखंड प्रमुख बढ़रिया का बोर्ड लगा हुआ है। एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गोलू सिंह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में दो स्कॉर्पियो से निकला हुआ है। इस सूचना पर एसआईटी और पुलिस की टीम सिधवल मोड़ के पास पहुंची। इसी दौरान प्रतापपुर के तरफ से दो स्कॉर्पियो गाड़ी आ रही थी। पुलिस को देखकर स्कॉर्पियो में बैठे लोग गाड़ी से बाहर निकलकर भागने लगे। हालांकि पुलिस टीम ने पीछा कर चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं दो भागने में कामयाब रहे। भागने वालों में एक रॉकी सिंह बताया जा रहा है, वहीं दूसरे की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें हुसैनगंज थाना क्षेत्र के तेतरिया के रहने वाले कुतुबुद्दीन खां के बेटे सैफ अली खां उर्फ सलमान, छोटका माझा के रहने वाले सुदर्शन यादव के बेटे राहुल यादव, तीतरा गांव के रहने वाले संजय यादव के बेटे अमन कुमार यादव और बड़हरिया थाना क्षेत्र के हबीबपुर के रहने वाले मुश्ताक अहमद के बेटे मिनहाज अहमद उर्फ सल्लू भी शामिल है, जो कि प्रखंड प्रमुख पति हैं। बता दें कि मृतक दीपक पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे और कई मामलों में वो फरार भी चल रहा था। चर्चित रईस खान पर AK-47 से हमला के मामले में भी दीपक नामजद था। दीपक के चाचा का आरोप है कि दीपक को जहर देकर मारा गया है, क्योंकि उसके शरीर पर कोई जख्म और चोट के निशान नहीं है, ना ही गले पर कोई निशान है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये साफ हो पाएगा कि दीपक की मौत कैसे हुई, और पुलिस ने दोनों स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है और चारों हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है कि आखिर ये पूरी घटना कैसे हुई। तो क्या हत्या आखिर कैसे हुई है? आपके भतीजा हैं? आपका नाम क्या हुआ? नंदलाल होगा। नंदलाल जी, अब प्रशासन ने क्या बताया, कैसे घटना हुई है ये क्या बताया? प्रशासन अभी कुछ बोलेंगे, चार दिन अरेस्ट किए हुए हैं, जांच पड़ताल करेंगे बताएंगे। तो फिर भी हम पूछेंगे जो चार आदमी का अरेस्ट किए हुए हैं उससे पूछा, जब संगे थे चार दिन अरेस्ट हुआ है तो बताएगा ना कि किससे घटना हुआ, कि जहर खिलाया गया है, कि गोली का दाग कहीं नहीं है, कहीं गोली नहीं, लाठी में दाग भी नहीं है, कहीं दाग नहीं है, गोर से जूता नहीं खिला हुआ है, माटी लिपटा गया है। मानते हैं सर आपसे बाजेंगे तो मेरा जूता ही खिलेगा नहीं खिलेगा मैक्सिमम? हाँ बिल्कुल, कल जूता नहीं खिला हुआ है, जे कहते जूता है। क्या शंका है? हमको संकट मैंने कब तक बताया, मगर इसके बारे में सोचेंगे। ऐसा लग रहा है कि काफी किसी पर कलंक नहीं लगाएंगे, किसी पे कलंक नहीं, ना ना कलंक नहीं। चार लोग जो पकड़े गए हैं उनका नाम पता चला आपको? हाँ बताया ना हमको, यहाँ घर पर रहा है। किसके साथ रहते हैं वो चारों लोग? इसलिए बड़हरिया प्रखंड प्रमुख की गाड़ी लगी हुई है, लाश उसी में से बरामद हुई है। लाश में मतलब उनके संग नहीं रहता है? उसके बाद साथ नहीं रहते हैं और नहीं रहता है। मानते जवान छोकरा है, कोई संगत हो गया तो उसके बाद तो अलग है। पूरा बॉडी मिट्टी में लिपटा हुआ है? पूरा मिट्टी में कहाँ लिपटा हुआ है सर? लगाया गया है सर, लगाया गया है। जब हम आपसे बाजेंगे तो मेरे पैर से जूता नहीं खिलेगा? सही बात, जूता कहाँ खिला है? जेब कहते हैं जूता है, कैसे माने? पूरा शरीर चेक किए, गर्दन चेक किए, कहीं गोली लगा हुआ है यही नहीं है, ना गर्दन में दाबते तो दाग लगता, दाग भी नहीं लगा हुआ है। तो इसमें सर हम क्या बताएं? तो लगता है कि सुनिए जी, तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया है। तो आपका संग है चाहे हमारे संग है, कुछ खिलाते पिलाते होंगे, ये भी हो सकता है। इसका रिपोर्ट मैंने हम चार दिन धराए हुए हैं। प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? हम मांग करेंगे कि जो चार दिन बताएं कि कैसे कहा हुआ है, वो चार दिन संग धरे हुए संगे थे बिल्कुल, किस तरह कहा हुआ है तो ही ना बताएंगे। जब हम हमारा डेड बॉडी मिला चाहे जिंदा बॉडी मिला, आप धराए तो आप बताइएगा ना कि जिंदा थे कि मुर्दा थे, कैसे कहा हुआ है। तो प्रशासन का काम है, प्रशासन जांच पड़ताल करे, उसके बाद हम भी जांच पड़ताल करवे करेंगे, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। घर पे कब से नहीं थे दीपक जी? दीपक जी लमसम दिन तो याद है नहीं, मैंने आज थे घर पे सुबह से ना? आज घर पर नहीं थे। कब से नहीं थे घर पे? हम घर पर रहते नहीं है सर। अच्छा, हम तो बाहर। चलिए ठीक है, तो ये थे।